Hey, good morning, welcome back boys and girls to Pokemon Legends Arceus. हम लोग भाई वापस आ चुके हैं with the good vibes. मैंने actually notice नहीं किया था कि तबले का music भाई ये लोग बजाते हैं Pearl Settlement में, but it sounds pretty good. पर हम लोगों ने भाई आज Manaphy वाला quest भाई final किया. The Seas Legend वाला quest actually Manaphy का quest है. उसके लिए हमें कुछ नहीं करना था. Oh wow, यहाँ पे distortion form हो रहा है पीछे. तब तक मैं उस पर जाता हूँ भाई. जब तक मैं तुम्हें बता रहा हूँ. पर यहाँ हमें कुछ नहीं करना था एक्चुअली. हमें एक्चुअली डायमंड पर्ल में हमें हिंट दे दी थी उन्होंने. कैनलिव लाइब्रेरी में एक बुक थी, स्पेसिफिक बुक थी जिसका नाम था द सीज लेजेंड. वही सेम नाम था मतलब. उसमें हमें बता दिया था कि हमें ओवरक्विल यूज़ करना है. बेसिकली इसमें इस गेम में एक नया इवोल्यूशन आया है ऑफ क्विल फिश. ओवरक्विल बोलते हैं उसको. वो हमें यूज़ करना है बुइजिल एंड क्या एक को नाम क्या मेंटाइक आई थिंक. या तो हमें इन तीनों पोकन को पार्टी में रख के हमें जाना था इस जगह से. ये क्लॉ जैसी जो जगह दिखती है उसके अंदर से हमें निकलना था शाम के टाइम पे. तो उससे कुछ तो भाई एक्टिवेट होता है. और जिस गेम में हम लोग पहले 2-3 बार जा चुके हैं भाई टेस्ट करने के लिए चीज़, वहाँ पे एक्चुअली एक चीज़ आती है भाई. फिर वहाँ पे तुम मतलब एक चीज़ क्या आती है, Manaphy Fiouni आती है भाई. मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ. ओ भाई स्टार्टिंग से ही अटैक करने लग जा रही है ब्रो. आर यू किडिंग मी ब्रो. ओ ओ ओ अरे 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 क्या बात है. ओके चलो इसको ये करने का ट्राई करते हैं. ओके देर वी गो. ये ले. आई होप वी कैच इट मैन. भाई स्टन करने के लिए मेरे पास इनफ आइटम्स हैं भी या नहीं है. आई डोंट थिंक मेरे पास हैं यार. अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा दूर से भाग रही है भाई. ओके वेट अ सेकेंड. इसी को वापस से. अरे रे 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 क्या चल रहा है ये. व्हाट मेरे को पता भी नहीं चला मैं. ओ नहीं यार मजाक कर रहे हो क्या. नहीं मैंने सेव कर रखा था भाई. मैं रीलोड कर सकता हूँ. पर ये क्या था भाई अचानक से ही मार दिया भाई उन्होंने. पता भी नहीं चलता यार. छुटकू से हैं पर भाई मारते बहुत जल्दी हैं लोग. ओके न्यू स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी भाई. इससे तो नहीं हो पा रहा है. हम लोग को पहले इनका सबका आर्मर तोड़ना है. ठीक है तो ये मैं कर देता हूँ पहले. ये ले. और बहुत ही सिंपल है यार ये अपेरेंटली. मैंने नोटिस नहीं किया था पर ओके डोट दे वी गो. पर इन पर अगर हम अपने पोकन भी फेंके ना तो इनका आर्मर टूट जाता है भाई. तो ये हम लोग करते हैं ज़रा. और अब भाई इस पर मैं पोकन फेंकेगा अपना. ले होपफुली बस एक ही मेरे से लड़ाई करे तो सही रहे यार. ओके अमेजिंग. अब हम लोग इस पर करेंगे भाई स्पेशल रेंड. आ जा. आई डोंट इवन वांट टू कैच दिस गाय मैन. आई रियली डोंट वांट टू कैच दिस गाय. एक तो पकड़ूंगा भाई पक्के से. पर बाकी मेरे को नहीं पकड़ने हैं. एक पकड़ने का पूरा ट्राई करूंगा मैं. पर बाकियों को मार रहा हूँ भाई मैं. आई रियली डोंट केयर अबाउट देम. ओके डू डोंट रन अवे फ्रॉम मी ब्रा. लेट जस्ट यूज अल्ट्रा बॉल. अगर पकड़ में आ जाए तो अच्छी बात है. कम ऑन. ओके देयर वी गो. चलो बला टैली भाई. अभी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है. ओके एक और किधर है ब्रो. ओके ये रहा. और ये वाला 50 लेवल का है डूड. ओके दैट इज एक्चुअली प्रीटी गुड डूड. लेट अस ट्राई टू कैच दिस वन एज वेल. वैसे आई होप कि Manaphy की बैटल में भाई हमें थोड़ी सी ये लोग हेल्थ ज़्यादा दे दें क्योंकि हम लोग बहुत ही क्रिटिकल हेल्थ पे हैं भाई अभी सीरियसली यार. ओके देयर वी गो अमेजिंग. प्लीज़ मेरी हेल्थ बढ़ा दो भाई. प्लीज़ Manaphy बैटल के लिए बढ़ानी पड़ेगी तुम्हें प्लीज़ यार. ओ रिपोर्ट बैक टू प्रोफेसर लैमिटन टू शेयर व्हाट यू हैव लर्न अबाउट Manaphy. एक सेकेंड जो मैंने अभी कैच किया वो Manaphy था क्या. ओके मैं जाने वाला हूँ बाहर. मैंने नोटिस भी नहीं किया भाई मैंने किस किस को कैच किए. मैंने 2 तो Fiouni इसको मारा है मेरे को इतना तो याद है. अच्छा हाँ यार 3 Manaphy थी मतलब 1 Manaphy थी और 3 Fiouni थी यार. मैंने कहीं Manaphy को तो नहीं मार दिया. मेरे को पता है मैंने देखा भी नहीं भाई पता है. मैं ध्यान भी नहीं दे रहा था भाई. इतना वो लोग ज़्यादा डैमेज कर रहे थे ना कि मैं ध्यान देने के लिए लायक नहीं था. पर चलो एक बार देख लेते हैं ज़रा प्रोफेसर क्या बोलते हैं. ओह ओके इट सीम्स Manaphy हियर इज़ अ माइग्रेटरी पोकेमॉन drifting through to and fro across the seas since long ago. I had a jolly hard time getting hold of this tome. It seems it is worth it in the end. Okay, Seas Legend quest complete. तो हो चुके 3 comet shard हमें मिले हैं जो कि guys nuggets से भी ज़्यादा महंगे बिकते हैं by the way. Let me tell you, like बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं. They are 15,000 rupees. उसके बाद भाई हम लोग गए थे Heatran वाला मिशन करें. I don't really like Heatran man, तो मैंने सोचा कर ही देते हैं. ओ माई गुडनेस. ओके डूड आर यू किडिंग मी. ये क्या पड़ा हुआ है. अरे बॉल ऑफ मड. ओके डट जा भाई. ओ ओ ओ ओ अरे भाई साहब ये क्या था. ओके आई डिड नॉट टेक दैट सीरियसली एट ऑल. इस बार सीरियसली लेंगे भाई थोड़ा सा.
ओके, दिस टाइम वी आर गना बी सुपर सुपर केयरफुल. बॉल ऑफ मंड मेरे पास वैसे है, पता नहीं मैं क्यों ही उठा रहा हूँ, आई एम नॉट रियली श्योर, पर ठीक है चलो. ओके, अरे भाई फायर लग ही जाती है भाई किसी तरीके से, पता नहीं कैसे. ओ देवी गो, इस पर ये फेंकते हैं, क्रिटिकल कैच. ओके कम ऑन, पकड़ में आ जा भाई, पकड़ में तो नहीं आएगा ये, ऑफकोर्स नहीं आएगा भाई, क्या ही सोच रहा था ब्रो मैं. अरे भाई साहब. एंड वील डू दिस, इसके पिछवाड़े पे मारेंगे एकदम. आ गया पकड़ में, ओ भाई ये तो इजी पीसी था भाई. मैं पहली बार मैंने इतना भाई ध्यान नहीं दिया था इसमें भाई, इसलिए. डूड आयरन प्लेट दी है इसने हमें, मेरे को लगा फायर प्लेट देगा. डूड फायर प्लेट, ओके एक्चुअली लाइक आर्कनाइन ने दे दी थी शायद हमें, हाँ आर्कनाइन ने शायद हमें दे दी थी. अरे भाई इसका, ओ भाई इसका एक्सप्रेशन देखो भाई, रीडा का इसके चेहरे को देखो भाई. What a miscan, I have to ask. Do you think there was any need at all for me to be here? I don't think so, girl. तुझे actually कुछ नहीं करना था. तू leader है Pearl Clan की, but I really don't think कुछ ज़रूरत थी तेरी इधर. तू फालतू में आ गई सही में. Ooh. Guys, यहाँ पे Unown है एक. Unown को भाई पकड़ लेते हैं जल्दी से. Unown की कई अलग से ही Pokédex चलती है, तो इसको ज़रा पकड़ लेते हैं ब्रो. तो इसकी तो वैसे भी 100% कैच रेट होती है, इसको क्या ही हमें भाई अल्ट्रा बॉल से पकड़ना. There we go, man. और मुझे थोड़ा सा भाई ये गेम जल्दी लाइक मेरे एग्जाम से पहले थोड़ा इसकी मेन स्टोरी मेरे को ख़त्म करनी है, क्योंकि मेरे इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं भाई. गाइस वैसे मैं बता दूं, अगर मैं अपलोड ना कर पाऊं भाई कुछ दिनों के लिए, या फिर मैं एक हफ्ते में 2-3 अपलोड ही करूं केवल, सो प्लीज़ फॉरगिव मी यार. आई होप यू अंडरस्टैंड, लाइक मैं 21 ईयर्स का हो चुका हूं भाई, आई नीड अ जॉब नाउ. तो इंटर्नशिप्स वगैरह के इंटरव्यूज़ दे रहा हूं मैं, लाइक विश फॉर मी मैन, क्या अच्छी कंपनी में भाई इंटर्नशिप मिल जाए. एंड आई विल विश फॉर यू गाइस, तुम्हारे एग्जाम वगैरह सब बढ़िया जाए भाई, ठीक है. इट गोज बोथ वेज, ओके. तुम मेरे भाई, मैं तुम्हारा भाई, ठीक है. विश करते हैं एक दूसरे के लिए. पर सीरियसली भाई काफ़ी एडवेंचरस लाइफ चल रही है, और सबसे बढ़िया जो मैं मेन क्वेस्ट कर रहा हूँ अभी लाइफ में वो है यूट्यूब का. एंड आई डोंट वांट टू पुश इट टू अ साइड क्वेस्ट यार, मेरे को मेन क्वेस्ट ही रखना है अपना यूट्यूब. तो इसलिए मैं आता तो रहूँगा भाई, ऐसे नहीं कि मैं अबैंडन कर दूंगा. बट या मैन, आई माइट गेट अ लिटिल लेस टाइम, विच आई थिंक यू गाइस विल अंडरस्टैंड एज वेल. वैसे यहाँ पे स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन खुलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे छोटा सा आई थिंक साइड मिशन है. आई एम श्योर आई सॉ द ब्लिसी समवेयर. अगर ये ब्लिसी मांग रही है तो मेरे पास है ऑलरेडी, तो मैं दे सकता हूँ उनको, कोई दिक्कत नहीं है. गर्ल डू यू वॉन्ट अ ब्लिसी, इट वॉज अराउंड हियर दैट आई मेट इट. हाउ डिड यू मीट इट, व्हेन डिड यू मीट इट गर्ल. ब्लिसी वैसे यहाँ पर नहीं होती है यार, मेरे को जहाँ तक याद है. अरे ओ अरे 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 लड़के, अब एम एस नो कहाँ से आ गया ये. अब एम एस नो कहाँ से आ गया भाई. ब्लिसी यहाँ पे होती तो नहीं है भाई, पता नहीं भाई, पता नहीं इसने कहाँ से देख ली, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा. हम लोग यार देखो स्पेस टाइम, एक सेकेंड ये तो चेकआउट करना पड़े. ए मैं निकल नहीं सकता क्या बैटल में से. डूड मेरे को देखना था कि मैं स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन में घुस सकता हूँ क्या भाई यहाँ से. दैट वुड हैव बीन डोप एक्चुअली. पर चलो इसको मार देते भाई जल्दी से. मर जा भाई तू, बोझ है भाई तू धरती पे. थैंक यू भाई. ओके, ब्लिसी का पता नहीं क्या चक्कर है, पर ब्लिसी जहाँ तक मेरे को पता है यहाँ पे नहीं आती है. इट्स क्वाइट एज आई थॉट, ब्लिसी मे बी वन थिंग बट अदर पोकन आर स्टिल टेरिफाइंग. क्या चाहती क्या तू मेरे से, ये बता देना. अच्छा ये आ गई ब्लिसी. अब वेट ऑफ फेल फ्रॉम ब्लिसी, ओके मैक्स आई शाइनी स्टोन, ठीक है आई टेक इट. इट तो भी बुरा गिफ्ट नहीं था, तो मैं माफ़ कर दूंगा आंटी आपको टाइम बर्बाद करने के लिए मेरा. हाँ पर मेरे को यार ये चीज़ ट्राई आउट करनी है, मेरे को गंदी चीज़ें ट्राई आउट करने में कहीं अलग ही मज़े आते हैं थोड़े से, पता नहीं क्यों. ए रुकियो जरा एक सेकेंड इधर भाई. ओए अबे रुक जा भाई मेरे, कोई है इधर और कोई पास में. ओए लड़के इधर आ, लड़ ले भाई मेरे से थोड़ा सा. ओके चलो, अब ये यहाँ पर लड़ रहा है तब तक मैं घुस के देखता हूँ उसमें. अरे रे 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 काम करता है, पर ये बंद हो जाती है बाटल भाई. ओ नो, अरे अरे नाइस. आज तो कुछ मज़ेदार मिल जाए भाई. मेरे पास जगह है वैसे, जगह तो बहुत है मेरे पास. ओ ओके ग्लेशियन है यहाँ पे. ग्लेशियन वगैरह की सब मैंने गाइस वैसे साइड क्वेस्ट कंप्लीट कर दी हैं. साइड क्वेस्ट बोल रहा हूँ मैं, सॉरी. ओ 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 व्हाट यहाँ पर शार्टर आ रहा है गाइस, शार्टर आ रहा है यहाँ पे. दिस इज एक्चुअली वर्थ इट वन. भाई क्या क्या तू बीम क्या चला रहे भाई, रुक जा थोड़ा डट जा भाई. ओके लेट्स यूज दिस भाई. स्टार्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे को पता था पिकाचू और ये तो आते हैं, ईवी तो आते हैं.
ओके थोड़ा सा और क्लिक कर लेते, मेरे को जरूरत नहीं थी वैसे डीवॉट की टू बी ऑनेस्ट। अगर अल्फा मेरे को डीवॉट मिल जाता तो अलग बात होती वैसे। अरे बाप रे ऑशो वॉट एक और आ गया भाई, क्या चल रहा है ब्रो, क्या ही चल रहा है ब्रो, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन। इसको भी पकड़ ही लेते हैं, आई मीन आई डोंट माइंड स्टार्टर्स व्हिच आई ऑलरेडी हैव मैन, और ऑशो वॉट तो मेरे को वैसे ही पसंद है। ओके मैं डेफिनेटली मरने वाला हूँ, या दैट हैपेंड, नो फ्रीकिंग वे, नो नहीं 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 भाई, कॉमेट शार्ड मत लो यार मेरा प्लीज यार, कॉमेट शार्ड ले लिया भाई मेरा यार इन्होंने। ओके डूड दैट इज नॉट फेयर, दैट इज एक्चुअली नॉट फेयर, आई मीन मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास एक्चुअली ऑलरेडी मेरे पास 29 नगेट्स हैं, 29 नगेट्स का मतलब है 290,000 रुपये। ये मुझे कैसे मिली मैं बताता हूँ, ऐसे एक्सप्लॉइट वगैरह कुछ नहीं किया है मैंने, पर यार मतलब यार गलत है यार ये तो सीन भाई, तुमने गलत कर दिया मेरे साथ यार। और पता नहीं आजकल हो क्या रहा है भाई, मेरा कोई सामान उठाना ही नहीं चाह रहा है, मतलब मैंने पता नहीं क्या गुनाह किया है भाई, मेरा कोई सामान ही नहीं उठा रहा है ब्रो। भाई ये लो स्टेज टाइम डिस्टॉर्शन भी एक्चुअली चला गया भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन गाइस। ओके बट चलो मैं क्या बता रहा था, हाँ मेरे पास नगेट्स कैसे है गाइस पता क्यों है, क्योंकि वो तुम्हें बैंडेड गर्ल्स याद हैं जो मतलब वो आती रहती हैं पता नहीं क्यों, वो अभी भी आती हैं गाइस पता है, और उनको अगर तुम हराते हो ना तो वो चार नगेट गिराती हैं गोल्डन नगेट्स, तो उसकी वजह से भाई मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो गई भाई। पर चलो भाई बेइज्जती तो हमने काफ़ी करा ली है, थोड़ा काम भी कर लेते हैं, हैं सही रहेगा थोड़ा सा। चलो भाई मैं तो आया हूँ इरिडा का साइड मिशन लेने के लिए, ये कुछ तो हमें तगड़ा साइड मिशन देने वाली है ब्रो, मेरे को लग रहा है, मैंने जैसे कि बोला मेरे को लग रहा है कि एक्सटर्मिनेट करने का भाई साइड मिशन देने वाली है भाई डायमंड क्लैन को, और फिर डायमंड क्लैन वाला जो बंदा है एडमिन वो इस क्लैन को बर्बाद करने का मिशन देगा हमें, दोनों क्लैन को हमको बर्बाद करने के मिशन मिलेंगे भाई, GTA 5 वाली सिचुएशन हो जाएगी भाई ये, माइकल और ट्रेवर वाली, और मारेंगे हम किसी को भी नहीं ऑफकोर्स। आई वाज जस्ट अबाउट टू गो फाइंड यू एंड टेल यू अबाउट दिस प्रीशियस इनक्रेडिबली प्रीशियस थिंग आई फाउंड, आर यू क्यूरियस, मेरे को पता है तू बेरी देने वाली है मुझे तो ठीक है चल, आई विल प्ले अलोंग, तीन बेरी पकड़ा देगी फिर से ये। द पर्ल क्लैन ट्रेजर क्या है, नैना बेरी है क्या पर्ल क्लैन ट्रेजर, केले खाते हो क्या तुम लोग, यू वॉन्ट टू बैटल, अरे एक सेकेंड, ओ नहीं 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 अभी मत करना बैटल, अभी मत करना बैटल। ओके कुछ तो करेगी ये, टाइम पास करेगी पहले, बांसुरी बजाएगी अपनी, उसके बाद ही मत करना, मेरे पोकन सेट नहीं है भाई बता रहा हूँ मैं, मैंने पोकन सेट नहीं कर रखे अपने, ठीक है समझ गए, आती तेरे को बांसुरी बजाना आती है, समझ गए हम भी, आगे बैटल मत कर लियो मेरे से, मैं ऐसी तैसी, अच्छा एक ही पोकन है क्या, चलो ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, फिर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ब्रो, एक ही पोकेमॉन तो है इसके पास, अरे एक से नहीं यार ये तो गलत कर दिया तुमने ब्रो, ये तो तुमने थोड़ा ज़्यादा गलत कर दिया भाई। एक काम करते हैं, पहले हम लोग मारते हैं इसको, फ्लेरियन को मारते हैं क्योंकि ये ज़्यादा दिक्कत कर सकती है हमारे लिए अभी, तो इसको मारना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले, क्योंकि स्टील टाइप है ना भाई डियाल का, देख रो दिमाग लगा लेता हूँ मैं भी कभी कभी, पर अब जब मैंने ये बोल दिया है तो कुछ ना कुछ मैं गलत भी कर दूंगा देखना, ऐसे ही होता है बार क्योंकि ये मेरी लाइफ का रूल है ब्रो। चलो इसको भी हम उड़ा सकते हैं आयरन टेल से अगर लग जाए तो, अरे भाई मिस हो गया भाई, ऑफकोर्स आयरन टेल मेरे को चलाना नहीं चाहिए, 75% एक्यूरेसी रहती है उसकी, फालतू में भाई मैं टाइम पास करता हूँ, इस बार फ्लैश कैनन चलाएंगे भाई, भले ही कम अटैक है पर चल तो जाएगा कम से कम, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन भाई बहुत ही उम्दा। अरे चलो साइकिक से कुछ नहीं हो रहा हमारा है, साइकिक आए बड़े, चलो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, पर रोरो टाइम कर देते हैं, रोरो टाइम यार अच्छा अटैक नहीं है यार, मतलब इसका कुछ ऐसा खास एनिमेशन है नहीं यार, हाइपर बीम से भी गंदा एनिमेशन है इसका सही में यार, उसका भाई हल्किया का देखो भाई, हल्के का स्पेशल रेंड कितना सही लगता है भाई मूव यार, कितना ओपी लगता है भाई, ये कितना बेकार लगता है भाई सही में। आई वंडर ऋषभ आर देयर पीपल इवन स्ट्रॉन्गर देन यू इन द वर्ल्ड विथ पोकन स्ट्रॉन्गर देन योर्स, आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट फॉर माई सेल्फ आई सपोज, हेयर द ट्रेजर आई प्रोमिस्ड यू नैना बेरीज उल ओ ओके लस्टरस ग्लो, ओके एक्चुअली एक अच्छा मिला है हमें कुछ तो, व्हेन यूज्ड ऑन पालके दिस लार्ज ग्लोइंग ऑर्ब वेल्स With power and allows a Pokemon to change form. Okay. तो एक सेकेंड हम लोग वो ओरिजिन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या उसको, आई थिंक सो मैन, आई थिंक सो,
थैंक यू ऋषभ फॉर एवरीथिंग। ये तो ठीक है, डेट पे चल रहे मेरे साथ एक यार। ओ कॉमेट शांड मिल गए गाइस, चलो बहुत ही बढ़िया। अरे अब तो और अच्छी डेट करा सकता हूँ मैं, बता मनाली चल रहे हैं कि ऐसे मनाली में तो रह ही रही है ये, पर चलो ठीक है इसको ट्राई आउट करते हैं ब्रो। यूज एंड पालकिया पे यूज, अच्छा कंपैटिबल आ तो रहा है। ओके ओके भाई साहब, ये पक्के से भाई उसमें बदल गया है, ये अपने ओरिजिन फॉर्म में बदल गया गाइस। लेट्स सी, ओ डैम, ओके भाई ये डेफिनेटली ज़्यादा बड़ा है भाई, नॉर्मल फॉर्म से ज़्यादा बड़ा है भाई, डेफिनेटली है। ओ डेफिनेटली ही यस, डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि यूजुअली पालकिया जो है वो डियालका से भी छोटा होता है, पर इसमें देख रहे हो भाई तुम इसमें कितना बड़ा लग रहा है ये भाई। ही इज़ अ ब्यूटी मैन, ही इज़ एक्चुअली अ ब्यूटी ब्रो। मेरे को भी तो डियालका कभी देखना है, डियालका कभी होगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता डियालका का ना हो। हो सकता है हम लोग अगर उसके पास जाएं, अगर अपने बंदे के पास, लेट मी एक्चुअली जस्ट डू दैट, व्हाई नॉट, हम लोग ज़रा जाते हैं अपने एडमिन के पास, वो भी भाई कुछ तो साइड मिशन दे रहा था, उससे ज़रा पूछते हैं, उससे भी हैंडल कर लेते हैं, तो वो भी हमें शायद से कुछ ऐसे एडमिन ऑफर करके कुछ दे जिससे हम लोग उसका फॉर्म चेंज कर सकें। 3,30,000 रुपये लेके भाई कैजुअली घूम रहा हूँ मैं भाई मज़े से, पता नहीं क्यों। ओके डी वॉट वी वॉट का सब हो गया, ये स्नोवर का मेरे पास है नहीं, वॉट कई जैसे मैंने काफ़ी पॉकेट भर लिए भाई, इफ़ आई डू से सो माई सेल्फ। और 10 स्टार भरना भाई बहुत मुश्किल काम है भाई, मैंने इतना सोचा नहीं था इतना मुश्किल होगा, पर बेसिकली 9 स्टार तक पहुंचने में तुम्हें जितना एक्सपीरियंस लगता है ना, उतना ही तुम्हें एक्सपीरियंस लाइक गेन करना पड़ता है फॉर 10 स्टार, मतलब 30,000 एक्सपीरियंस 1 से लेकर 9 लेवल तक लगता है 30,000, और 9 से लेकर 10 में 30,000 और लगता है, मतलब समझ लो तुम इतना ज़्यादा टाइम लगता है भाई 9th 10th करने में। यहाँ पे ही रहता था आई थिंक, ये मैं सही जगह पे आऊँ या ओके डायमंड सेटलमेंट में जाते हैं भाई, और लेक विलार में भाई ये पता नहीं क्या ही गुलछर्रे उड़ा रहा है भाई, इससे ज़रा मिलते हैं। क्यों रहे लड़के, तेरे से घर पर रुका नहीं जाता है, बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे, हैं बीवी बच्चे हैं क्या तेरे, वैसे मेरे को पता नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ बस। ए इफ़ इट इज़न्ट ऋषभ, चल यार टाइम पास बहुत हो गया, चल तेरा यार क्या पता नहीं, मैंने सुना भी नहीं भाई क्या बोल रही है, अब मैंने इनकी बात भी नहीं सुनता सीरियसली गाइस, मतलब ये लोग इतना ज़्यादा बक बक करते हैं ना। मैं तुम्हें एक मस्त बताता हूँ भाई, मैं बहुत ही मस्त बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ, कि मेरे को एक रिपोर्ट बनाने को बोला कॉलेज में, ठीक है मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट बना दी, मैंने सोचा कि चलो अब यही खेल ही रहे हैं अभी तो रिपोर्ट बना लेते हैं, गेम डिज़ाइन की रिपोर्ट बनानी होती बेसिकली, उसमें तुम्हें क्या करना होता है, उसमें तुम्हें बताना होता है कि गेम मैकेनिक्स क्या है, गेम कैसे फ्लो हुआ है गेम में, क्या तुम्हें अच्छा लगा क्या नहीं लगा अच्छा। और भाई मैंने तो जो उसमें सच बताया है वो मैं सच तुम्हें अभी भी बता सकता हूँ, पर शायद तुम्हें सच थोड़ा कड़वा लगे, वो है ज़रूर से भाई, पालकिया इज़ नॉट गुड फॉर दिस बैटल मैन रियली, अगर इसमें अगर हमारे पास, ओ डूड एक्चुअली वाई नॉट, लेट अस टेक आउट अवर न्यू पोकेमॉन मैन, मैंने एक डेसिडुआई बनाया है भाई, वो सही रहेगा भाई, पता है इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा इसके लिए, ये लाइक ग्रास और फाइटिंग टाइप है भाई जो नया डेसिडुआई आया है, और लगता भी ठीक ठाक है, मतलब टू बी ऑनेस्ट लाइक तीनों लाइक स्टार्टअप पोकेमॉन में से सबसे गंदा यही लगता है, बिलीव इट और नॉट सबसे गंदा सीरियसली भाई यही लगता है, पर ठीक है चलो आई गिव हिम सम बेनिफिट ऑफ द डाउट, बिकॉज इसका ये वाला मूव बहुत तगड़ा लगता है भाई, लाइक सीरियसली काफ़ी तगड़ा लगता है भाई, ट्रिपल एरो उसका मूव इतना अच्छा ही लगता है भाई टाइफ्लोजन का। बट ओके कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाँ मेरे को इस पर रिपोर्ट बनानी थी, तो मैंने चलो सोचा बना लेते हैं, तो उसमें मुझे कुछ बुरी चीज़ लिखनी थी गेम के बारे में, तो भाई एक सीधी बहुत ही गलत बात है इस गेम के बारे में, कि यार इन्होंने पता है अपना गेम फ्लो बिगाड़ दिया, पता है बहुत ही गंदा फ्लो बिगाड़ा इन्होंने, मैं पहले एपिसोड में ही समझ गया था गेम फ्लो अच्छा नहीं है इस गेम का, गेम अच्छा है ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा गेम बुरा है, ठीक है गेम फ्लो बेकार है समझ रहे हो तुम, तो ये गेम को और अच्छा कैसे कर सकते थे अगर ये लोग इतने डायलॉग्स ऐड ना करते कई, मतलब क्रिटिकल जगहों पे, जैसे कि अगर मतलब हम बॉस फाइट करने वाले हैं, डियालका की बैटल आने वाली है, तो भाई प्लीज़ ये मतलब तुम टेक्स्ट मत दिखाओ हमें, वहाँ पे कुछ वॉइस एक्टिंग ऐड कर दो यार, मतलब इतने अच्छे अच्छे वॉइस एक्टर्स हैं, दे कैन डू सम गुड जॉब, वो ये लोग ऐड नहीं कर रहे भाई, तो क्या ही करें, अब वो हम पढ़ते बैठे हैं उधर, अब सामने हमारे डियालका खड़ा है, हम भाई यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसके डायलॉग, और वो भी कुछ ऐसे खास डायलॉग है नहीं भाई, तो बस वही है कि ये लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं गेम फ्लो को अगर ये लोग थोड़े डायलॉग्स ऐड करें, ये लोग मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स पे तो कम से कम वॉइस ओवर्स करें यार, तब ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें पढ़ने को तो बहुत ज़्यादा था और वो गेमर्स को चाहिए नहीं भाई, अगर हमें इतना पढ़ना ही था तो हम क्लास में ध्यान दे देते, यहाँ पे क्यों मतलब इतना क्यों ध्यान दे रहे हैं हम यहाँ पर, ये भी है ना, गेम कोर गेम प्ले इज़ अमेजिंग, मैकेनिक्स बहुत सही हैं गेम के, और भाई मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ क्योंकि शायद तुम लोग मेरे से पक चुके होगे भाई बात कर करके ऐसे,
गेम मैकेनिक्स के बारे में, सो आई एम सॉरी फॉर दैट. यू रियली समथिंग? यस आई एम बॉय. तू चुपचाप से दे मेरे को बस. एडमेंट क्रिस्टल दिए इसने, मैं एडमेंट ऑप वगैरह ये लोग नहीं दे रहे भाई. कुछ नए आइटम्स आए हैं लग रहे है. चलो तो इसकी रिक्वेस्ट भाई हो चुकी पूरी. कॉमेट शार्ड भाई कितने दे रहे हैं भाई हमको ये लोग? इतने कॉमेट शार्ड का हम क्या करेंगे भाई? कहाँ पे हमें मैंशन खोलना है अपना? चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं. इस पर लगाते हैं भाई एक बार. ओ भाई इसको तो हमने देखा ही नहीं था यार. इसका फॉर्म एक्चुअली क्रेजी हो सकता है ब्रो. लेट मी एक्चुअली कंपेयर. तो पालकिया का तो गाइज है ये वाला, ठीक है. ये भी कुछ घोड़े जैसा ही होगा भाई शायद से. एंड डियाल्गा का गाइज है ये वाला. ओ माई गुडनेस इज मच शॉलर. ओ माई गुडनेस भाई, हमेशा ऐसा क्यों होता है भाई? पालकिया को क्यों पीछे छोड़ देते हो भाई तुम? ओके नहीं, ए वेट अ सेकेंड, सही में है क्या टॉलर? नहीं नहीं नहीं, सेम हाइट, सेम हाइट. वो पर्सपेक्टिव की वजह से ऐसा लग रहा था. वैसे भी स्लो पे हम लोग ने डाला है इनको. हाँ सेम ही हाइट है भाई इनकी. पर इसके पैर इतने अजीब से क्यों है ब्रो? व्हाट आर दिस लेग्स मैन? उसको वो प्रॉपर हॉर्स लग रहा है भाई. ये ऐसा लग रहा है कि किसी ने भाई नीचे कांटे चुपा दिए इसके बेचारे को, ऐसे चलना पड़ रहा है हाई हील्स में. पर लग तो भाई ये भी मस्त रहा है. ऐसा लग रहा है टॉर्च जैसा भाई. टॉर्च के भाई एक्चुअली मोटरसाइकिल लग रहे. तो सामने हेडलाइट लगी है इसके. हैं मोटरसाइकिल है भाई ये तो. और पीछे भाई टेल टेल लाइट भी है भाई बढ़िया सी. भाई मस्त है भाई. बीच में देखो सीट स्प्लिटर भी है बढ़िया. बच्चे को आगे बिठाओ तुम, पीछे बैठो. और यहाँ आगे ये देखो हैंडल दिया हुआ है, इसको पकड़ के चलाओ गाड़ी में से मजे से. मस्त है भाई ये तो, काफ़ी सही है. या दिस इज हाउ यू रूइन लेजेंडरीज बाय द वे. बट ओके वॉइस, आज के लिए मैं तो बोलता हूँ जितना ही रखते हैं. आज मजे आ गए भाई, काफ़ी ज़्यादा ही मैंने फालतू की बकवास कर ली भाई आज. बढ़िया गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट.